हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा 11वीं के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तो चलिए, इस बार इंटर का जो एडमिशन होना है उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन करने में कितना फ़ी लगेगा, साथ ही दोस्तों आप लोगों को कॉलेज का चॉइस कैसे करना है, सारे चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूँ कि मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, आप लोग खुद देख लिए होंगे। अब आप लोग की बारी आता है 11वीं में एडमिशन लेने की। इसी बीच बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन के लिए अपनी सारी प्रोसेस खोल दिए हैं और आपको बताते हैं डिटेल्स में। बता दूं कि 11वीं में दाखिला की प्रक्रिया शुरू, पंजीयन शुल्क 300 रुपया रखा गया है। इसको हम डिटेल्स में दिखाते हैं। हम आपको यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, बिहार बोर्ड ने 2020-22 सत्र के 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नामांकन OFSS यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट के माध्यम से होगा। कला, विज्ञान और वाणिज्य संख्या में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि आप लोग का जो 2020-22 का जो सेशन इस बार होना है, आप 11th 12th करने के लिए, उस सेशन के जो दौरान आप लोग जो भी कैंडिडेट साइंस रखना चाहते हैं या फिर आर्ट रखना चाहते हैं या फिर आप कॉमर्स रखना चाहते हैं, वो कैंडिडेट अपना एडमिशन कराने के लिए अब आप लोग को OFSS सिस्टम के माध्यम से आप लोग को एडमिशन होगा। इसके लिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। और आगे बताते हैं क्या करना है। बोर्ड के अनुसार हर एक विद्यार्थी को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उन्हें 300 रुपया फी लगेगा। आप SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी के हैं तो आपको सेम फी लगेगा, 300 रुपया फी लगेगा, जो कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में आपको ऑनलाइन ही जमा करना होगा। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको खास बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन करने के दौरान स्कूल कॉलेज का चॉइस भी देना होगा। चाहे तो अपने ही स्कूल में 11वीं में नामांकन ले सकते हैं, यह विकल्प बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। यानी कि आप लोग को इस बार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी टाइम में आपको बिहार के जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा उस कॉलेज की चॉइस देना होगा। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने लगेंगे, तो वहीं पर आपको कॉलेज का नाम देगा, जिला का नाम देगा, किस जिले में किस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। एक फैसिलिटी यहाँ पर यह दिया है सरकार, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर आप जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है उसी स्कूल में अगर 11th और 12th की पढ़ाई होता है तो फिर आप उसी स्कूल में अपना एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा फैसिलिटी बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। आप लोग वहां पर वो कॉलेज एक नंबर में फर्स्ट चॉइस करेंगे, आपको मिल जाएगा वही कॉलेज, आप वहां से भी अपना कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दूँ, जो कैंडिडेट CBSE बोर्ड से हो या फिर ICSE के छात्र हो, वो भी अपना एडमिशन ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिख दिया है, CBSE के जो भी कैंडिडेट हैं, साथ ही ICSE बोर्ड के जो भी कैंडिडेट हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चूँकि CBSE का अभी रिजल्ट नहीं आया है 10वीं क्लास का, फिर भी आप इसका मौका उठा सकते हैं, इसके द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। देखिए 7 चरणों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगा और नामांकन प्रक्रिया होगा, इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या, रजिस्ट्रेशन आपको इन दिशा निर्देशों को पालन कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन अच्छा से होगा। सबसे पहले करना क्या है, नामांकन के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चाहे विद्यार्थी का नामांकन, आपका नामांकन फर्स्ट स्टेप में हो, सेकेंड स्टेप में कॉलेज मिले या थर्ड स्टेप में कॉलेज मिले, आप लोग को हर स्टूडेंट को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन कहीं भी नहीं होगा बिहार के किसी भी कॉलेज में। तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या है, बोर्ड का जो लिंक दिया हुआ है www.ofssonline.in पर जाना है। इन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही खुलेगा तो आपको 4-5 चीज़ जरूरी है आपके पास रहना चाहिए, जैसे कि आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, अपना फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, साथ ही आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, फिर आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको और चीज़ बता दूँ, फ़ोटो सही से स्कैन करके लगाना होगा, जिससे आगे की नामांकन में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फ़ोटो गलत तरीके से अपलोड कर देते हैं तो फिर आपको एडमिशन लेने में दिक्कत हो सकती है। एडमिशन फ़ी कहाँ जमा करेंगे, तो वह फॉर्म भरने के बाद शुल्क जमा करने का विकल्प मिलेगा,
जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जिस कंप्यूटर वाले के पास, वहीं पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ी मांगा जाएगा। फ़ी आप लोग को ऑनलाइन ही पे कर देना है 300 रुपया, फिर आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग को करना क्या है, छात्र इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। छात्र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अपना क्लिक करने के बाद सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करिए ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे जैसे ही शुरू होगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे कि 11वीं में एडमिशन के लिए आपको कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फी जमा करना है, ईमेल आईडी कैसे बनाना, सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो देखते रहे फास्ट इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर के, तब तक देखते रहे फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।